हस्तमैथुन का इलाज कैसे करें, इसके बारे में काफी सारे क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं या काफी सारे लोग विजिट्स करते हैं मुझे मेरे कंसल्टिंग रूम में, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई और अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हस्तमैथुन से काफी लोग परेशान है, उससे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो इसलिए फील करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भाई ये गलत है। काफी सारे महाराज बाबा लोग आयुर्वेदा में ऐसा बोला गया है कि हस्तमैथुन गलत है, हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, हस्तमैथुन से आप बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। काफी सारे अखबारों में आता है कि आपने यदि बचपन में कुछ गलतियां किया हो तो जरूर इनसे मिलिए, तो इससे लोग परेशान है कि भाई हस्तमैथुन मैंने किया तो मैंने बहुत गलत किया। तो हस्तमैथुन पर से मतलब ऐसा हस्तमैथुन कोई बीमारी नहीं है, मगर हस्तमैथुन से यदि आप परेशान है, बहुत ज्यादा गिल्टी लग रहा है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और आप रोकना चाहते हैं उसको, नहीं करना चाहते और मगर आ रहा है, तो आप एक दो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो जरूर कीजिएगा। एक तो क्या होता है, नंबर एक कि आप जब अकेले बैठे बैठे पढ़ाई करते हो, अकेले बैठे हैं, तो फिर क्या होता है कि थोड़े विचार इधर उधर के आते रहते। बच्चों को 15-16 साल 17 साल की उम्र में काफी सारे जो मतलब इंटरनल जो चेंजेस है, हॉर्मोनल चेंजेस है, वो आपको चुप नहीं बैठने देते और वहां से फिर अंदर से ऐसा थोड़ा भी विचार आ गया, थोड़ा भी एक किसकी याद आ गई तो तुरंत इरेक्शन आ जाता है, स्पॉन्टेनियस इरेक्शन आ जाता है। जब अकेले रहते तो ज्यादा होता है, तो पढ़ाई करने के समय अकेले बैठते हैं तब अकेले ना बैठना, ताकि वो हस्तमैथुन की इच्छा नहीं होंगी। आप जब पढ़ाई करते हैं तो साथ में पढ़ाई करेंगे, बच्चों के साथ में, अकेले नहीं, ताकि वो नहीं होगा, नंबर एक। तो अकेला रहना टालने का है, नंबर एक। और नंबर दो है कि आप जब पॉर्न साइट्स या सेक्सुअल वीडियोज जब देखते हैं तो उससे काफी सारा एक्साइटमेंट होता है और वो देखते 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 रात को स्पेशली देख रहे हैं, अकेले देख रहे और फिर कोई नहीं है आसपास, और फिर वो जब देखते हैं तो एक्साइटमेंट आ जाता है और फिर एक्साइटमेंट में हस्तमैथुन करने की इच्छा होती रहती है। तो फिर वो भी पॉर्न साइट जो है वो टालना चाहिए, वो देखना नहीं चाहिए, ताकि फिर अपनी इच्छा जो है बार बार करने की वो नहीं होंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हस्तमैथुन वैसे कोई गलत नहीं है, हस्तमैथुन से कुछ होता नहीं है। ये जो बाबा महाराज लोग बोलते रहते हैं कि हस्तमैथुन गलत है, सब झूठे, सरासर झूठे। मैं साइंटिफिकली रिसर्च से बोल रहा हूँ, ये मेरे मन की बात नहीं है। और फिर वो यदि आपको रुकना ही है, करना ही नहीं है, तो मैंने जो बताया वो आप उसकी प्रैक्टिस करो। वैसे हस्तमैथुन जितनी भूख है उतना कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएंगी और आपका जो मतलब टेंशन, एंग्जाइटी, नर्वसनेस के बारे में है वो सब कम होकर आप सुखी जीवन जी सकेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।